गुड मॉर्निंग, मैं रितेश कुमार, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। आप लोग को बीए बीएड फोर इयर्स इंटीग्रेटर कोर्स में इकोनॉमिक सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, जिसमें अगले कक्षा में आप लोग को उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत, तटस्था, वक्र विश्लेषण के बारे में जानकारी दे चुके हैं। अब आगे है तटस्था वक्र विश्लेषण के विकास का संक्षिप्त विवरण। इसमें इसके इतिहास के बारे में जानकारी दे चुके हैं। अब आगे है तटस्था वक्र विश्लेषण का एक उदाहरण। तटस्था वक्र विश्लेषण का उदाहरण। तटस्था वक्र विश्लेषण की व्याख्या इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक उपभोक्ता का दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच एक अधिमान क्रम होता है। प्रत्येक अधिमान क्रम दो या दो से अधिक वस्तुओं के उन वैकल्पिक संयोगों का होता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतोष प्राप्त होता है। अतः उपभोक्ता इनमें से यदि एक संयोग को चुनता है तो वह अन्य संयोगों के प्रति तटस्थ अथवा उदासीन रहता है। नीचे नारंगी एवं सेब दो वस्तुओं के इस प्रकार विभिन्न संयोगों का एक तालिका दी जाती है। यह तालिका अभी आप लोग को बताते हैं। संयोग नारंगी सेब प्रतिस्थाप की दर। तीन भाग में इसको बांट दिया गया है, जिसमें प्रथम संयोग, द्वितीय संयोग, तृतीय संयोग करके संयोग में लिख देना है। प्रथम संयोग, द्वितीय संयोग, तृतीय संयोग, चतुर्थ संयोग, चतुर्थ संयोग, पंचम संयोग, पंचम संयोग। अब आगे है नारंगी और सेब की संख्या चार, नारंगी प्लस 25, सेब द्वितीय में है 5 नारंगी 20 सेब, सेब तृतीय में है 6 नारंगी 16 सेब, 6 नारंगी 16 सेब चतुर्थ में है, 7 नारंगी 13 सेब, 13 सेब पंचम में है, 8 नारंगी 8 नारंगी प्लस
11 सेब प्रतिस्थापन की दर 1 नारंगी 5 सेब नारंगी 4 3 2 यह तालिका है जिसमें संयोग नारंगी और सेब की संख्या प्रतिस्थापन की दर प्रथम संयोग में 4 नारंगी 25 सेब प्रतिस्थापन की दर नहीं है। इसके बाद द्वितीय में 5 नारंगी 20 सेब उपरोक्त तालिका में नारंगी एवं सेब के उन विभिन्न संयोगों को प्रतिदर्शित किया गया है जिनमें उपभोक्ता को एक समान संतोष प्राप्त है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि इनमें से किसी एक संयोग से कितना संतोष या उपयोगिता मिलती है, क्योंकि उपयोगिता अमापनीय है। उपयोगिता पहले भी कह चुके हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, जबकि नारंगी एवं सेब के इन विभिन्न संयोगों को हम एक वक्र रेखा के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो एक इंडिफरेंस कर्व वक्र रेखा तैयार होता है। यह वक्र रेखा तटस्थता की वक्र रेखा कहलाती है, जिसको एक फिगर के माध्यम से अभी आपको बता रहे हैं। को तटस्था वक्र रेखा बना रहे हैं, इसमें वाई ओ एक्स पच्चीस बीस सोलह तेरह सेब और नीचे है 4 5 6 7 8 9 नारंगी। इधर सेब हो गया, ये नारंगी हो गया। अब इसको
ऐसे टच करते हुए घुमाना है। ए बी सी डी ई और यहाँ हो गया आई सी। इंडिफरेंस कर्व, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व। संलग्न चित्र, यह जो चित्र है इसमें सेब नारंगी एवं सेब के विभिन्न संयोग के आधार पर, इसको नारंगी और सेब के संयोग क्या है उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। इंडिफरेंस कर्व की वक्र रेखा है, इस पर ए बी सी डी, ए बी सी डी ई सभी बिंदु क्रमशः नारंगी एवं सेब के विभिन्न संयोगों से बने हैं। कैसे बने हैं? तो नारंगी और सेब के विभिन्न संयोग से। जब कभी भी उपयोगिता होता है तो दो वस्तु रहे जैसे सेब और नारंगी तो इसका संयोग बनता है। ये पांचों बिंदु यद्यपि नारंगी एवं सेब के पांच विभिन्न संयोगों को व्यक्त करते हैं, नारंगी और सेब के पांच संयोग को व्यक्त करते हैं, जैसे 25, 20, 16, 13, 11, ये पांच हो गया, फिर 4, 5, 6, 7, 8, इनको जो है संयोग को यह व्यक्त करते हैं। फिर भी इससे उपभोक्ता को एक समान संतोष मिलता है, उपभोक्ता को एक समान संतोष मिलता है, अतः उपभोक्ता इसके बीच बिल्कुल तटस्थ तथा उदासीन रहता है। यानी उपभोक्ता 4 नारंगी एवं 25 सेब चुने अथवा 8 नारंगी एवं 11 सेब, यह निर्णय करने के लिए बहुत ही कठिन है। इससे स्पष्ट है कि तटस्थता की वक्र रेखा पर प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करता है। तटस्थता मानचित्र, अब आगे आ जाइए, तटस्थता मानचित्र, तटस्थता मानचित्र। उपरोक्त चित्र में ये जो चित्र है नारंगी एवं सेब के विभिन्न संयोगों को एक ही तटस्थता वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया है। इसमें दोनों को, नारंगी और सेब की तटस्थता वक्र को एक ही फिगर में दिखाया गया है, क्योंकि इन वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। किंतु यदि नारंगी एवं सेब के ऐसे संयोग बना लिया जाए जिससे उपभोक्ता को भिन्न भिन्न संतोष प्राप्त हो, तब ये संयोग केवल एक ही तटस्थता की वक्र रेखा द्वारा नहीं दिखलाए जा सकते, वरन इन्हें अलग अलग तटस्थता की वक्र रेखाओं द्वारा दिखाना होगा। इस प्रकार जब बहुत से तटस्थता वक्र जो किसी उपभोक्ता विशेष के लिए संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को बतलाते हैं एक ही चित्र में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे तटस्थता मानचित्र कहते हैं। तटस्थता मानचित्र किसे कहते हैं इसको डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। तटस्थता मानचित्र किसे कहते हैं? जब बहुत से तटस्थता वक्र को जो किसी उपभोक्ता
उपभोक्ता विशेष के लिए संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को बतलाते हैं। एक ही मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे तटस्थता मानचित्र कहा जाता है। तटस्थता मानचित्र किसे कहा जाता है? जब बहुत से तटस्थता वक्र जो वक्र को जो किसी उपभोक्ता विशेष के लिए संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को बतलाते हैं एक ही मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे तटस्थता मानचित्र कहा जाता है। तटस्थता मानचित्र में प्रत्येक तटस्थता वक्र रेखा संतोष के लिए एक निश्चित स्तर को व्यक्त करती है। जैसे जैसे वक्र रेखाएं दाएं ऊपर की ओर दिखती जाती है वैसे वैसे ये अधिक संतुष्टि के स्तर को बतलाती है। दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है तटस्थता की ऊंची वक्र रेखा को नीची वक्र रेखाओं के अपेक्षा अधिक रासंतोष की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ऊंची तटस्थता की वक्र रेखाएं दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखलाती है जो नीची तटस्थता की वक्र रेखाओं के संयोग की अपेक्षा मात्रा में अधिक होते हैं। अब आगे आ जाइए, तटस्थता वक्र की वक्र रेखाओं की प्रकृति अथवा विशेषताएं। तटस्थता की वक्र रेखाओं की प्रकृति एवं विशेषताएं। तटस्थता की वक्र रेखाओं की प्रकृति एवं विशेषताएं। तटस्थता की वक्र रेखाओं की अपनी कुछ विशेषताएं होती है जिनमें निम्नलिखित प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। एक नंबर में है तटस्थता की वक्र रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है। तटस्थता की वक्र रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है। दूसरा में है तटस्थता की वक्र रेखाएं
तटस्थता की वक्र रेखाएं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। तीसरा में है तटस्थता की वक्र रेखाओं का आकार गोलाकार या अंडाकार भी हो सकता है। तटस्थता की वक्र रेखाओं का आकार गोलाकार या अंडाकार भी हो सकता है। चार नंबर में है तटस्थता की वक्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे से समांतर होना आवश्यक नहीं है। तटस्थता की वक्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे से समांतर होना आवश्यक नहीं है। पांच नंबर में है तटस्थता की वक्र रेखाओं का एक दूसरे को काटती नहीं है। तटस्थता की वक्र रेखाओं का एक दूसरे को काटती नहीं है। छह नंबर में है किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु समूह के लिए एक से अधिक तटस्थता की वक्र रेखाएं हो सकती है। किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु समूह के लिए एक से अधिक तटस्थता की वक्र रेखाएं हो सकती है। आगे है सात नंबर में तटस्थता वक्र एक्स या वाई में से वक्र एक्स या वाई
में से किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते। तथा आठ नंबर पॉइंट है, उचित तटस्थता की वक्र रेखाएं नीची रेखा की अपेक्षा अधिक संतुष्टि व्यक्त करता है। अब इन विशेषताओं को निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है, जो अगले क्लास में आपको बताएंगे। अभी आप लोग को तटस्थता वक्र रेखाओं की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में जानकारी दिए हैं। अब आगे इसके विस्तृत प्रस्तुत किए जाएंगे। इस तटस्थता वक्र विश्लेषण के विकास का संक्षिप्त इतिहास के साथ साथ आप लोग को तटस्थता वक्र रेखाओं की प्रकृति एवं विशेषताओं का जानकारी दिए। आगे तटस्थता वक्र रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है या वक्र रेखा कैसे आगे बनता है, इसकी जानकारी आपको देंगे अगले क्लास में। और जो भी अभी तक क्लास इसमें चल चुका है उसका आप लोग नोट्स तैयार करके और असाइनमेंट की तरह रखिएगा। जब ऑफलाइन क्लास होगी तो यहाँ ला करके चेक कराना है।